हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जो कि रिलेटिव क्लॉज के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि रिलेटिव क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ क्लॉज, है ना। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज दो दो क्लॉजेस को मिलकर एक सेंटेंस बनता है, यानी क्लॉज जो है एक सेंटेंस से छोटा पार्ट है। बाय द वे, मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में जो सबसे छोटी यूनिट होती है इंग्लिश में, वो होती है साउंड, है ना, मतलब ध्वनि। कोई भी साउंड मिलकर बनता है एक लेटर, एक अक्षर बनता है, और वो लेटर मिलके जब बनता है तो वो एक वर्ड बनता है, और वर्ड से क्लॉज, क्लॉजेस से सेंटेंस, है ना। तो अब देखिए क्लॉज क्या होता है। क्लॉज के दो पार्ट होते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर कंपाउंड सेंटेंस में भी हम दो चीज पढ़ते हैं, जिसको हम कोरिलेटिव भी बोलते हैं ना। कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स के होते हैं तीन टाइप, एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज को आज हम पढ़ने वाले हैं। एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज भी बोल देते हैं, इसमें हम दो कंजंक्शन को पढ़ेंगे जिनसे सेंटेंस जोड़े जाते हैं, एक हु और एक हुम। अब समझिए, है ना, ये जो हु और हुम है, ये यहां कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है। क्वेश्चन वर्ड ये तब होते हैं जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आए और क्वेश्चन करें, तब इसका मतलब निकलता है कौन और इसका किसको, है ना। लेकिन यहां ये सेंटेंस के बीच में आएंगे और दो क्लॉजेस को जोड़ेंगे, तब इनको अपन क्वेश्चन वर्ड नहीं, तब हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन भी बोल देते हैं। तो यहां ये रिलेटिव क्लॉज में यूज किए जाते हैं। अब इनका यूज कैसे होता है वो देखिए। हु और हुम, इन दोनों का यूज होता है लिविंग के लिए। किसके लिए? लिविंग, लिविंग यानी सजीव के लिए। तो हु और हुम, इन दोनों का यूज लिविंग के लिए होता है। अच्छा, अब जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि द बॉय इज माई फ्रेंड, या द बॉय इज वियरिंग रेड शर्ट, लड़का मेरा भाई, मेरा दोस्त है और लड़का रेड शर्ट पहने हुआ है। अब सबसे पहले अगर उसने बोल दिया कि कंबाइन दीज टू सेंटेंसेस विद रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज से इन दो सेंटेंसेस को जोड़े, तो उस कंडीशन में उसने ये नहीं बोला कि हु से इसको जोड़िए या हुम से जोड़िए, कंबाइन करिए, नहीं, उसने बोला रिलेटिव क्लॉज से इन दो सेंटेंसेस को कंबाइन करिए। तो सबसे पहला काम हमारा जो होगा वो हम ये देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। द बॉय, द बॉय कॉमन इज भी है, मैं नाउन की बात कर रहा हूं, है ना, या नाउन। तो यह नाउन या प्रोनाउन जो कॉमन है वो क्या है? द बॉय। अब एक बात बताओ, इसमें देखना जरा, शी, ये भी प्रोनाउन है ना, इसमें देखना जरा, द बॉय, द बॉय, द मैन, द मैन। हमने इन दोनों सेंटेंसेस में और इन चारों सेंटेंस में हमने देखा कि यहां जो कॉमन है वो कोई ना कोई लिविंग है, कोई ना कोई लिविंग है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो कॉमन है वो लिविंग है। अब लिविंग में भी हम क्या देखें देखेंगे कि वो लिविंग कॉमन वर्ड जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर है या ऑब्जेक्ट की जगह पर है। तो हम फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, कॉमन लिविंग तो है, सजीव तो है, और सब्जेक्ट की जगह पर है। कौन सी जगह पर? सब्जेक्ट की जगह पर। सेकंड सेंटेंस में भी लिविंग है, सब्जेक्ट की जगह पर है। थर्ड सेंटेंस में हमने देखा द बॉय एक तो सब्जेक्ट की जगह पर है और दूसरा मेन वर्ब के बाद है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पर है। तो एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, लिविंग है लेकिन एक ऑब्जेक्ट, सेम हियर, है ना, द मेन, द मेन। तो मैन जो है एक सब्जेक्ट की जगह पर है और एक मैन आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर है। तो हमने यहां देखा सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिविंग कॉमन, सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिविंग कॉमन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग कॉमन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग कॉमन। लिविंग है तो हु और हुम का यूज, लेकिन सब्जेक्ट की जगह कॉमन है तो हु का यूज, और ऑब्जेक्ट की जगह कॉमन है तो हुम का यूज। तो हमारे दिमाग में ये टेंशन भी खत्म हो गई कि अगर उसने बोला रिलेटिव क्लॉज से जोड़िए तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर लिविंग सब्जेक्ट की जगह है तो हु से जोड़ेंगे, अगर एक भी ऑब्जेक्ट की जगह लिविंग आ गया तो हुम से जोड़ेंगे। अब बात आती है, सर जोड़ते कैसे हैं? तो मैं आपको बताता हूं। देखो अभी हम क्या करेंगे, कॉमन वर्ड को लिखेंगे, द बॉय, क्या लिखा हमने, द बॉय। अब हम इसको किससे जोड़ना है, सब्जेक्ट की जगह लिविंग कॉमन है तो हु से जोड़ेंगे, तो हमने लिखा हु कि लड़का, हु जो। अब सुनिए, बहुत से बच्चे ऐसे भी जोड़ते हैं, द बॉय हु इज माई फ्रेंड इज वियरिंग रेड शर्ट। ये गलत नहीं है, बट ये ऑथेंटिक तरीका नहीं है। आपने क्या किया, द बॉय कॉमन लिखा,
किससे जुड़ेंगे, हु से, तो आपने लिखा। अब जो सेकंड क्लॉज है उसको मेन क्लॉज का काम करवाओ, तो आप क्या लिखोगे, पहले सेकंड सेंटेंस को लिखोगे कि इज वियरिंग रेड शर्ट। पहले हम उस लड़के को क्या कर रहे हैं, इस लड़के को पहले हम ये नहीं बता रहे कि वो कौन है, पहले हम ये बता रहे हैं कि लड़का जो रेड शर्ट पहने हुए है वो कौन है, वो कौन है, मेरा फ्रेंड है। तो कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं, या कॉमा नहीं भी लगाए तब भी चलेगा, लेकिन कॉमा लगाए तो ज्यादा सही है कि इज माई फ्रेंड, कि वो मेरा दोस्त है। अब जरा इसको देखिए, लड़का जो रेड शर्ट पहने हुए है इज माई फ्रेंड, वो कौन है मेरा, वो मेरा दोस्त है। सेम ऐसे ही आपको यहां जोड़ना है। सबसे पहले देखो, लिविंग लिविंग सब्जेक्ट की जगह जोड़ोगे किससे, हु से, तो क्या लिखेंगे, शी हु इज, तो मेन क्लॉज बनाएंगे सेकंड वाले को, तो हु इज स्टैंडिंग देयर, कि वह लड़की जो वहां खड़ी हुई है वो कौन है, इज माई मदर, मतलब वो जो भी है फीमेल वो वहां खड़ी है वो कौन है, वो मेरी माँ है। तो आपने बिल्कुल सेम ऐसे जोड़ा। अब यहां हमने देखा कि एक लिविंग, एक लिविंग, लिविंग तो है बट ये सेकंड वाला लिविंग द बॉय ये ऑब्जेक्ट की जगह है, तो पहले तो कॉमन वर्ड को लिखो, तो क्या लिखा आपने, द बॉय। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट की जगह पर, एक भी ऑब्जेक्ट की जगह पर मिल जाए यहां यहां कहीं भी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस कॉमन को लिखकर उसके बाद जोड़ना किससे है आपको, होम से, फिर सेकंड वाले क्लॉज को जिसमें ऑब्जेक्ट की जगह दिया है उसको अपन मेन क्लॉज बनाएंगे कि होम आई मेट, होम आई मेट यस्टरडे, कि लड़का जिससे मैं कल मिला था वो कौन है, वो क्या कर चुका है, हैज वैकेटेड, वो खाली कर चुका है किसको, द हाउस, वो घर को खाली कर चुका है। मेरी बात समझ आई ना आपको, सेम ऐसे ही बनाइए, पहले कॉमन वर्ड लिखिए, चलो आप बनाइए, तो कॉमन वर्ड लिखिए द मैन, एक ऑब्जेक्ट की जगह है तो किससे कंबाइन करोगे, होम से, उसके बाद सेकंड सेंटेंस को मेन क्लॉज बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, द मैन हुम आई सॉ टू डेज एगो, बनाइए बनाइए बनाइए, द मैन हुम आई सॉ टू डेज एगो, आदमी जो मैंने दो दिन पहले देखा था, हैज स्पेंट हिज होल मनी, वो अपना पूरा पैसा खर्च कर चुका है, स्पेंट हिज होल मनी। तो आपको रिलेटिव क्लॉज में हु और हुम जो एक कंजंक्शन का काम कर रहे हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, वो भी एक बीच में आकर, कोई क्वेश्चन वर्ड की तरह काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं वैसे रिलेटिव, जो संबंध बनाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं बहुत से लोग, या आप रिलेटिव क्लॉज में भी इनको पढ़ते हैं, तो आपको हु और हुम का यूज समझ में आया होगा, है ना। तो अगली वीडियो में हम रिलेटिव क्लॉज में ही विच और दैट, जो कि नॉन लिविंग के लिए आते हैं, इनको डिस्कस करते हैं।